ऑलराइट व्हाट्स अप गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज 17th में सबसे खतरनाक वाला दिन। और गाइस, आज हम करने वाले गन किंग मोड का गेम प्ले, जिसका मैंने एडवांस रूप में थोड़ा सा नॉलेज ले लिया है। और भाई, वीडियो के बीच में ना मेरे को गरीना को एक छोटा सा मैसेज भेजना है। ओके, सो आज की वीडियो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सो गाइज, मैसेज तो मैं गेम के बीच में बता दूंगा सभी को। ओके, सो भाई, यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं हमें क्या क्या एक्सक्लूसिव मिल रहा है। सबसे पहला एक्सक्लूसिव है एक्सक्लूसिव इवेंट जो सबसे पहले वो है ये बेबी शार्क इमोट। बस खेलना है हमें, एक सेकंड भी खेलिए मिल जाएगा। बस बैक नहीं करना, चाहे सुसाइड कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बैक मत करना नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर भाई ये गन किंग मोड आ गया। उसके बाद गाइस, हमें लूट बॉक्स भी मिल रहा है। ओके, हमें लूट बॉक्स भी मिल रहा है एक फ्री में, और पिंक और ब्लू स्कल कलेक्ट कर। ब्लू स्कल का तो टाइम अभी चला गया शायद, मेरे को जितना लग रहा है। पिंक स्कल भाई कल तक ही चलेगा, वो भी आपको रैंडमली मिलेगा मैप पर, ये वाला। फिलहाल तो यहाँ पे मेरा नेट का क्या प्रॉब्लम है यार, देखो गाइस, ये नेट का प्रॉब्लम है। गन किंग न्यू मोड, हु विल रूल देम ऑल? ऑफ कोर्स मैं रूल करूंगा इन्हें, क्योंकि मैं बुआ करने वाला हूँ, चाहे एक मैच खेलना पड़े या दो मैच खेलना पड़े। ओके, अच्छा, सो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं थंबनेल के लिए। और भाई, ये इस लूट बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला लूट बॉक्स। और यहाँ पे दो वाउचर्स मिल गए। ओके, जो पिंक स्कल की मैं बात कर रहा था, उन्हें रैंडमली ड्रॉप करेंगे मैप के अंदर कहीं पर भी। सो भाई, बेस्ट जगह बताऊँ ना, क्लॉक टावर चले जाओ, वहाँ पे 110% हो रहा हूँ मैं, मिलेगा भाई आपको, मिल जाएगा, 10 तो मिल ही जाएंगे आराम से 10 मिल जाएंगे। और यहाँ पे टॉप अप इवेंट में आया था ये बैग, ब्लू वॉल की स्किन और ये ब्लू प्रिंट। वही भाई, ये तीनों इंडोनेशियन सर्वर पे ना फ्री में मिल रहा है। यहाँ पे अपना नॉर्मल हैकर स्टोर, लॉग इन रिवॉर्ड्स, क्रेजी सेल्स वगैरह 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 वगैरह। यहाँ पे भी नेट का इशू ऑल इज हमेशा की तरह। यहाँ पे मैं कौन सा कैरेक्टर लूँ यार, हयाटो नहीं, क्ला नहीं, नहीं 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 क्ला नहीं, क्ला भी नहीं, अदाम ठीक रहेगा थोड़ा। यस, अदाम इज द बेस्ट भाई, नूब प्रैंक के लिए ना अदाम ले लो, कोई भी कैरेक्टर मत लो, बस अदाम लो। उसको ऐसे कपड़े पहना दो ऐसे कपड़े पहना दो, सही लगेगा भाई, फिर सब लोग आपको कन्फर्म नूब समझेंगे। ओपी भाई, क्या कपड़ा है, ओपी कपड़ा भाई। अगर ऐसे पैंट को पर ऐसा लगा देना तो भाई ऐसा लग रहा है ना, तो पूरी बॉडी है, बीच में स्टमक वाला पार्ट है ना किसी ने खा लिया भाई, सही लग रहा था वो। ये कल के कस्टम है ना, मेरे को पहन के जाना चाहिए था, क्योंकि गाइस कल का मैं कस्टम कर रहा था फनी कस्टम वाला। ओके, ऐसे टाइम पास कर रहा था भाई साहब, इतने फनी बंदे आए थे ना, पूछो मत आप, इतने फनी बंदे आए थे। यहाँ पे मेरे को ये कपड़ा सही लग रहा है नूबड़े के लिए, ये ठग लाइफ वाला चश्मा, ईस्टर बनी वाला शर्ट, और ये नॉर्मल पैंट, और ये जूते स्पोर्ट्स शूज। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पिन्स कर आ जाता हूँ, जो मेरे को दो वाउचर्स मिले हैं। ओपी, क्या देख रहा हूँ मैं, पांच हर एक वाउचर, वाओ, हर एक वाउचर। तो ये अभी स्पिन कर लेता हूँ मैं, और स्पिन करके आ गया, और मेरे को परमानेंट मिल गया लवली बीस्ट वाली एक्समेट की स्किन परमानेंट, जो मेरे को उस दिन इवेंट में नहीं मिल पाई थी, वो आज मिल गई परमानेंट। एक मीटर बचा था यार उस इवेंट में मेरा, बस एक मीटर। अच्छा, तो वो सब छोड़ दो, मैं यहाँ पे गन किंग लगा लेता हूँ। ओके, और भाई ये मोड 16 में ही है ना, हाँ 16 में ही है। ओके, सो भाई ये जो मोड का जो डेफिनेशन है ना, एक्चुअली इसके अंदर कुछ करना रहता है, हमें वेपन्स मिलते हैं स्टार्टिंग में, सबसे खतरनाक वेपन्स। ओके, स्टार्टिंग में जैसे MP40 हो गया, MLG हो गया, सारी खतरनाक वेपन्स मिल जाते हैं हमें। उसके बाद धीरे धीरे जब एंड होते जाते ना गेम का, मतलब जैसे एंड में चलते जाते हैं वहाँ पे भाई, तब हमें मिलते जाते हैं थोड़े लेजेंडरी ओपी वेपन्स, जैसे कटाना हो गया, ग्रेनेड हो गया, जिसे हम मार नहीं पाते उतना। ओके, सो भाई
यही करना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक किल पे ना वेपन्स बदलते हैं। जब ऐसे एक किल किया इससे अगर मैंने तुमको को MLG मिलेगा, उसके बाद थॉम्पसन मिल जाएगा, उसके बाद M7 नहीं मिल जाएगी, ऐसे किल्स करने पर। यहाँ पे लिखे भी जाते हैं कितने किल्स करने इस गन से कि आपको अगला गन मिल जाए। ओके, और यहाँ पे भी ऊपर ऐसा लिखा रहेगा, मेरे ऊपर देख सकते हो आप कि ये अचानक से बीच में एकदम सेंटर में कुछ से भी आ रहा है हमारे कैरेक्टर के सर के ऊपर की तरफ। थोड़ा ध्यान से देखना, ग्रे कलर में गाइस, वो आपको बता देगा कि हाँ इस वेपन से इतने किल करने हैं अगले वेपन जाने के लिए। ओके, सो अभी जैसे आपने देखा मेरे को एक किल कर लिया मैंने वहाँ पर, मेरे को मिल गया वहाँ पर, और यहाँ पे दो किल करने हैं तो मेरे को थॉम्सन मिल जाएगा। तो यहाँ पे किल्स को बता भी देते हैं ये, तो ओके इसे ऐसे ही चलते रहते गेम पे तो चलते ही रहेगा। मैं यहाँ पे आपको मैसेज बता दूँ, और मैसेज ये है, मैसेज बताने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि भाई मोस्टली हर एक यूट्यूबर ने ना ये मैसेज भेज चुका है। अब मेरी बारी आती है भेजने की, क्योंकि आई एम ऑल्सो कम्युनिटी ऑफ फ्री फायर कम्युनिटी का मैं अभी एक बंदा हूँ, सो मेरा भी हक बनता है बताने का। तो भाई मैसेज ये है ना कि ये जो हैकर्स आ रहे हैं ना हमारे गेम्स में, उन्हें बैन कर दो, और जो डबल रैंक टोकन है उसे हटा दो प्लीज़। नहीं तो नहीं हटाना ना, तो मत हटाओ, पर हर एक आईडी में ना एक एक दे दो, एक एक रैंक टोकन दे दो, क्योंकि ओके गाइस, क्योंकि जो बंदे ग्लोबल पुश कर रहे थे, ग्लोबल टॉप 1 पे जिन्हें आना रहता है ना, वो बंदे एक्चुअली कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि भाई अगर चार घंटा भी कर ले ना, खेल ले चार दिन 24 घंटे खेल ले, तब भी उन्हें नहीं मिल पाएगा। ओके, यही प्रॉब्लम रहता है। अरे मैं इधर कैसे आ गया, आई गेस 999 प्लस हुआ होगा मेरा। अच्छा जो भी हो, तो भाई वो मिल नहीं पाता उन्हें, और जो भाई जिनके पास डबल रैंक टोकन रहता है, उन 50 का जो बुआ करने प्लस होता है हमारे नॉर्मली, उनका 100 का प्लस हो जाता है, सीधे हीरोइक पर आ जाते हैं। ये बहुत गलत बात है, इसलिए ये हटा दो, या फिर सबको एक एक दे दो, एक एक दो दो दे दो। अच्छा ऊपर से भाई आप में से बहुत सारे बंदों को डाउट होते हैं कि भाई ब्राजीला में जो गन स्किन्स रहती है उन्हें एबिलिटीज क्यों नहीं रहती, क्योंकि गाइस जो ब्राजीला है ना, एक्चुअली ब्राजील है, मैं ब्राजीला क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा आपको, ब्राजीला क्यों बोल रहा हूँ मैं, जो ब्राजील है ना अपना, वहाँ पे ना एक्चुअली गेमिंग को ना एक्चुअली एक फेस्टिवल के जैसा मनाया जाता है। और जो प्रेगेटोरी में जो गाइस हमारा ब्राजीला जो मैप है ना, ब्राजीला जो जगह है, एक्चुअली ब्राजीला ब्राजील को ही लोकेट करता है, क्योंकि भाई ब्राजीला ब्राजील पे ना गैनेना को सबसे ज्यादा एक्चुअली सपोर्ट मिलता है। ओके, गेम्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है ब्राजील पर, इसलिए गाइस वहाँ पे एक्चुअली मेरे को यही लग रहा है ना, इसलिए कि वहाँ पे स्किन्स में कोई एबिलिटी नहीं दी रहेगी। फिर अच्छा वो सब छोड़ो, तो भाई ये मेन टॉपिक है, बैन हैकर्स, बैन स्क्रिप्टर्स, रिमूव डबल रैंक टोकन। और भाई कल लाइव स्ट्रीम की थी कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर ही। अच्छा आप अभी सोच रहे हो हैकर्स बढ़ते कैसे, 3 स्टेप्स रहते हैं, बहुत सिंपल। हमारा जो गेम है 12 प्लस है, तो इसलिए इसके अंदर बड़े से ज़्यादा छोटे लोग खेलते हैं, जैसे मतलब जिनका अभी स्कूल सी चल रहा है, जैसे 16 हो गए, 13 ऐसे हो गए, सो ऐसे छोटे लोग ज़्यादा खेलते हैं। अच्छा तो ओके, सो इसलिए ना जो हैकर्स आते हैं उनको आसानी मिल जाती है। अरे यार क्या बोल दिया मैं, जो गाइस 2-3 हैकर बना लेते हैं, अपने खुद को हैकिंग कर लेते हैं, और जो रैंक में घुस कर धपाधप मारने लगते हैं, और जो भाई जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स रहते हैं ओके, वो लोग दिखाते हैं दिस हैकर किल्ड मी, ये हैकर ने मुझे मार डाला, अल्टीमेटेड हैक, ये सब एक सो ये सब ना करें। अगर ये सब बैन होगा ना कि बताना भाई हाँ हैकर ने हमें मारा, ठीक है इन्फॉर्म कर दो बस कि भाई गेम में हैकर से बहुत सारे, इन्फॉर्म कर दो बस सर, वीडियो पर्टिकुलर वीडियो बनाने की उतना ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि गाइस जो इसके अंदर ना लोग बहुत सारे इंटरेस्ट लेते हैं, जिसके कारण हैकर्स हमारे गेम में बहुत बढ़ते जाते हैं, किसी भी गेम में ले लो। ओके भाई अभी पबजी में हैकर्स इतने कम क्यों हो गए, क्योंकि हैकिंग के ऊपर वीडियोस बनने ही कम हो गए। अभी आप जाके देख लो यूट्यूब पर हैकिंग के ऊपर ना, पबजी में हैकिंग के ऊपर वीडियो बहुत रेयर वीडियो मिलेंगे, जिसके कारण हैकिंग कम हो गई। भाई अगर अब ऐसा अगर फ्री फायर में ट्राई कर देना कि हैक के ऊपर ही वीडियो बनाना छोड़ दो, तो भाई हैकिंग भी कम हो जाएगी। ओके, और भाई हैकर्स तो क्या एक पल के लिए बैन भी हो जाते हैं, स्क्रिप्टर्स तो भाई महान है पूछो ही मत, वो बैन भी नहीं होते।
सो स्क्रिप्टर्स को तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर भाई स्क्रिप्टर्स बहुत कम रहते हैं, हैकर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्क्रिप्टर्स बहुत कम रहते हैं। तो स्क्रिप्टर्स अगर रहे तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% स्क्रिप्टर्स में 90% स्क्रिप्टर्स को हम नहीं बैन कर सकते, पर जो 10% स्क्रिप्टर्स को हम बैन कर देंगे ना, तो उन्हें इतना तो लगेगा कि भाई हाँ अभी हमारे भी चांसेस हो सकते थोड़े थोड़े बैन होने के, तो अपना धीरे धीरे कम होने लगेगा। ओके सो यही था भाई मैसेज, जो मेरा छोटा सा मैसेज था करीना के लिए। एंड में वापस से बोल देता हूँ, बैन हैकर्स, बैन स्क्रिप्टर्स, रिमूव डबल रैंक कार्ड। और यहाँ पे मेरा बुआ भी हो गया, सेकंड आ गया भाई मैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात। ओके और गाइज मेरे को एक डाउट सा हो रहा है, ये जो फॉक्स का आया था, ये जो गाइज जो खेल रहा है लॉरा लेके, जो कैरेक्टर खेल रहा है या खेल रही है, वो ना फॉक्स आइकन मेरे को लगता है ना इसलिए आया होगा क्योंकि भाई उसने, वो एक्चुअली MVP बनी, उसने सबसे ज़्यादा किल्स किए, सो आई गेस इसीलिए ये एक्चुअली फॉक्स का आइकन आया होगा। लेट मी ट्राई अगेन, शायद इस बार मेरे ऊपर आ जाए अगर मैं MVP बन गया तो। यहाँ पे क्लैम कर लूँ ज़रा, और गाइस यहाँ पे इमोट मिल गया, मैं चेक कर लूँ ज़रा कैसा है, पहली बार यूज़ कर रहा हूँ मैं इमोट। आई वांट टू चेक, उससे पहले भाई आप बताओ आपने कौन सी टीम को सपोर्ट किया? मैंने तो भाई ब्लू वाले को किया है, मैं तो ब्लू वाले को किया हूँ सपोर्ट। और यहाँ पे बेबी शार्क का इमोट थोड़ा सा ठीक है, अच्छा है, देने के लिए अच्छा है, मतलब फ्री में देने के लिए अच्छा है, हमारा उतना कुछ हो नहीं हुआ। सो ये पे इमोट्स जो हो गए मेरे सब, यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ गाइस, मेरे को स्पिन में जो कपड़े मिले थे वो पहना देता हूँ, इससे एक और मैच खेलेंगे ना क्योंकि हम। सो ये पैंट मिला था मेरे को और ये शर्ट, सो हाँ ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है, ये अपना आदम। और गाइस आपको एक बात बता दूँ, गाइस आपके पास जो ऐसा टोपी में टोपी होती ना गाइस, जो विंटर के समय जो अपने सर पे टोपी सा कुछ पहनते हैं, सो गाइस जो मंकी कैप रहता है ना, एक्चुअली उसका एक फायदा है, बग है एक्चुअली, ग्लिच है गेम में अपने, कि अगर हम उसको पहन ले और कोई भी हेलमेट ले, लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3 कोई भी हेलमेट ले ना, वो एक्चुअली आदम जैसा दिखेगा। सो अगर सपोज आप हयाटो लेके जाते हो मंकी कैप पहनकर, हयाटो खेलते हो, तो अगर आपको हेलमेट मिल गया ना तो वो भी दिखेगा आदम जैसा, तो भाई वो एक फायदा है उसका, कि मतलब नया एक्चुअली, अभी सपोज एंटोनियो ले लो, उसका फेस डिजाइन थोड़ा सा अलग रहता है, और वही आप आदम वाला हेयर स्टाइल बना लोगे कैसे तो भी मेरे ट्रिक से, सो वो लगेगा कि भाई ये नया कपड़ा है, कोई तो भी कपड़ा नया है उसने ऐसा लिया। सो गाइज यहाँ पर इंटेंस मामला चल रहा है, ये सामने वाला बंदा MVP है क्योंकि उसके सर पे फॉक्स वाला आइकन है, और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं अभी, मेरे को इस बार फर्स्ट आना है, कुछ भी हो जाए मेरे को इस बार फर्स्ट आना है। MP40 मिल गई, अब सबकी बैंड बजने वाली है यहाँ पर, क्योंकि भाई अगर मेरे हाथ में MP40 आ गई ना, डबल बैरल आ गई M187 सामने वाले की लग गई, फिर अभी देखो इसने मेरे को इतना हेल्प पे छोड़ा पर फिर भी मर गया। UMP दे दो चलेगा, तब भी कार में ड्रैग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, यहाँ पे मेरे को ड्रैग थोड़ा सा आने लग गया गाइस। ओके इस कार में हल्का सा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे को, बस वही होता है प्रॉब्लम ड्रैग में इस कार का, नहीं तो भाई मैं पहले आता था पर मैं भूल गया एक्चुअली ड्रैग कैसे करते हैं इस कार का। और यहाँ पे इस कार तो मिल गई हमें, इधर से चलते हैं, आई गेस ऊपर की तरफ फाइटिंग हो रही है, या ऊपर की तरफ फाइटिंग हो रही है, मैं थर्ड फर्स्ट के पास भी कार, दोनों के पास कार है पर उसके नेट उसके पास ना मुझसे ज़्यादा किल्स है इसलिए उसके पास कार है, और अभी M249 आ गई उसके पास जो भाई अगली गन है। और भाई M249 में ना भाई एमिंग करना इतना खतरनाक हो जाता है ना, मतलब पूछो मत, इतना खतरनाक एमिंग होती है ना M249 में, क्या बोलूँ मैं, कहाँ से पड़ रही भाई और M249 मतलब गाइस आप देख रहे हो ना, बंदा स्प्रे कर रहा था पूरा मेरे ऊपर, फिर भी नहीं लगा उसका,
रेयरली थोड़े बहुत एम लग गए, वो मार दिया मेरे को उसने। सो वो सब तो छोड़ो, यहाँ पे मैं मार किल चोर, किसी ने तो भी गए थे यहाँ पे, मैं किल चोरी किया। ओके बंदे दिख नहीं रहे, पड़ी पड़ी पड़ी, कहाँ से पड़ी, वहां से पड़ी यार। यहाँ पे बंदे नहीं दिख रहे यार बिल्कुल भी, बंदे तो भाई दिख ही नहीं रहे यहाँ पर। मैं M249 आ गई, अब थोड़ा सा एमिंग में प्रॉब्लम होगी मेरे को। ये भाई इसका रिकॉल कंट्रोल बहुत हार्ड है, टैप टैप चलाना पड़ेगा, जैसे फेमस को चलाते हैं ना M14 को, वैसे टैप टैप चलाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सही होगा। और जो भी हो भाई, यहाँ पे पता नहीं कौन चिल्ला रहा है इधर। ओके सो यहाँ पे मैंने भी मार डाला, बस एक और किल करना है M249 से, उसके बाद मेरे को मिल जाएगी डबल बैरल। कौन बनेगा अभी अगला शिकार, मैं ना बन जाऊं। ये बंदा मुझे मार क्यों नहीं पाया भाई इस गन से, आई डोंट नो। और ऊपर से तो कोई नहीं आ रहा ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे कोई है, कोई है वो सामने, कैसे मार डाला भाई, हाउ। मेरा रिलोड आया होगा शायद, इसलिए मार दिया। ओके सो यहाँ पे थोड़ा सा, सॉरी बीच में नॉइज आने के लिए भाई, इधर तो कोई दिख नहीं रहा, वो सामने है। किल किल, एक और किल करना है बस, एक और किल करना, उसके बाद हो जाएगा सही सब। सामने किधर है भाई, किधर किधर, ओ दिख गया, UMP आ गई। अभी किसी की खैर नहीं, ये भाई UMP ना सही है गन मेरे लिए थोड़ी, ऊपर से इसकी स्किन भी परमानेंट है, मेरे पास उसकी गन की स्किन भी परमानेंट है, जिससे मैं और तबाही मचा सकते हो। ऊपर से इसका सिंगल डैमेज का है, सिंगल डैमेज है इसका, बढ़ाया गया है। और बस एक और किल, कौन बनेगा अगला बलि का बकरा। उसके बाद M10 है थॉमसन, उसके बाद G18 जो भाई मेरे को सबसे ज़्यादा तंग करने वाली है। यहाँ पे M1014 आ गई मेरे पास, अब बस इससे भी 3 किल करने हैं। अब कौन बनेगा भाई, कोई आ जाओ, कोई तो आओ यार, कोई तो आ जाओ। ओ ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये मर गया। और 2 किल करने हैं, उसके बाद मेरे को थॉमसन मिल जाएगी। ओके पिस्टल के पास CG-15 है, जो थोड़ा सा एक्चुअली सही है, थोड़ा सा सही है, कंट्रोल करने में आसानी हो जाएगी थोड़ी। थॉमसन, और यहाँ पे भाई मैं बन गया MVP, जैसे कि मैंने बोला था, जो MVP बनते हैं ना उनके सर के ऊपर से रेड सा फॉक्स आ जाता है, फॉक्स आइकन, जिसका मतलब होता है MVP। सो अभी सब मेरे पीछे पड़ेंगे, यहाँ पे सोच रहे कि भाई मैं हैकर तो नहीं, क्योंकि मतलब एक बॉ नूब का इतना खतरनाक गेम प्ले देख कर, अब जो भी हो ये भी समझ सकते कि भाई किसी ने नूब बन कर आया होगा। अच्छा चलो जो भी हो, यहाँ पे पिस्टल से यार एक भी किल नहीं कर पाया मैं, लगा लगा एक लगा, हेड लगा हेड लगा, मर जा भाई मेरा, मर जा प्लीज़ मर गया। CG आ गई, और अच्छा फिर ऐसे इससे भी 2 किल कर देना, मर जा मैं मर गया, हट। ओके अभी मैं देखते हो इसका क्या कर सकता हूँ भाई साहब, इसको ठोक सकता हूँ, हाँ ठोक दिया उसने मेरे को, ठोक दिया। कहीं यहाँ पे मैं अपने गार्डन के साइड बैठा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है बच्चों का आवाज़, और यहाँ पे फिर से 999+ तो हेडशॉट मारूँ, नहीं मर गया, खुद ही मर गया। ये 999+ ना बहुत तंग करता है मेरे को, हाइपिंग वाला प्रॉब्लम, मेरा नेट तो पूरा सही है। लेट इट बी, जो भी हो रहा है, एक किल करना है, उसके बाद VSS, उसके बाद ग्रेनेड, एंड देन तलवार, पैंगिया क्या बोलते हैं ना इसका, नाम नहीं पता यार इसका मेरे को, पैंगा कैसे, कमेंट करके बताओ इसका नाम क्या, ग्रेनेड के बाद वाले वेपन का, पैंगा पैंगिया पोंगिया क्या है पता नहीं, पैंगा है पता नहीं क्या है, कमेंट करके बताओ यार, लिख दो मेरे को नहीं पता। अच्छा सो अभी भाई ऊपर की तरफ पूरा भसड़ बची है,
और यहाँ पे नेडिंग की बरसात हो रही है भाई। इतने नेड कौन करता है? ये ऑफलाइन हो गया क्या शायद? यस, इसको मैं यहाँ से मारने की ट्राई करता हूँ। मर गया। ऊपर भी है एक। मार पाऊंगा क्या? मार पाऊंगा क्या? मार पाऊंगा क्या? मार, हेड 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 हेड, मर जा मर जा मर जा भाई। अरे यार नहीं, मर गया वापस से। 999 प्लस क्या हो रहा है मेरे साथ? ये 999 प्लस मेरा पीछे कब छोड़ेगा? यहाँ पे वापस से आ गया भाई यहाँ पर। ओ भाई ये 999 प्लस है कि क्या है? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो 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 मुझे, मारो 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 मुझे, मारो भैया। क्या हो रहा है ये हाइपिंग का प्रॉब्लम? ए वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं MVP तो बन गया बट मेरे को ग्रेनेड क्यों नहीं मिला? या मैंने ग्रेनेड फेंक दिया और ग्रेनेड से एक ही किल था? हो भी सकता है। अब जो भी हो, यहाँ पे उसको मार कर बन गया मैं MVP। और बोला था भाई, क्वेश्चन पूछ रहा था ना, हु विल रूल देम ऑल, आई विल रूल देम ऑल, वो सही हुआ। तो गाइस उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा। और भाई वो मैसेज पहुंचाना।